नगर के राजगढ़ सर्किल पर रोडवेज बस हैज की बुजुर्ग ने टक्कर मारी है, महिला की मौत हुई है। चुरू जिला मुख्यालय पर हैज को एक मारपीट को मामलों सामने आए हुए हैं। ड्राइवर कंडक्टर दोनों शराब के नशे में एकदम धूत थे। 4800 देसी पुआ शराब हैज का बरामद किया है। अजी शराब है लगभग 3,30,000 रुपया है, ये कीमत आंके जारी है। राम राम सामू मनोज ते देख रहे हो जिले को चूरू। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करियो ताकि चूरू जिले के अपडेट थान देश का। फिलहाल जिले कुछ मुख्य खबरों की बात करांगा। चूरू जिला मुख्यालय पर हैज को एक मारपीट को मामलों सामने आए हुए हैं। कोतवाली थाने में अब मामलों भी दर्ज हुए हैं। पीड़ित हैज का को लगातार चूरू के डीबी अस्पताल में इलाज जारी है। चूरू के शांतिनगर में मारपीट मामले ले गए शेखावत कॉलोनी निवासी पीड़ित श्रवण कुमार हैज का बताए हुए कि वे घर पर लेबर और मिस्त्री भवन निर्माण को काम करने लाग गया है और वो सुबह 9 बजे साइड देखने गए हो। बड़ी सागे कन्ने काम करना रहे कन्ने मिस्त्री जगदीश और बैंक सागे काम करना रहे लेबर बने साइड पर काम करने खातर है जिका बातचीत करने लाग गया है और काम करने की बात ने ले गए। इन दौरान हैज का लोगों के बीच गाली गलौच और मारपीट हैज की होगी। जंग बाद में जगदीश के सागे काम करना रहो लेबर आग बबला हो गयो, गाली गलौच करी और बाबूड़ा गुजर निवासी मालियों की ढाणी शांतिनगर हैज का 10-15 दिन लोग आशा के मारपीट करी, गाली गलौच करी और रुपये पैसा भी निकाल ले गणा बतायो जा रहे है। फिलहाल पुलिस हैजी का मामलों दर्ज कर लियो है। पीड़ित श्रवण कुमार है जिके गिरी रिपोर्ट पर और मिस्त्री जगदीश बाबूड़ा सहित 10-15 लोग के खिलाफ मामलों हैज को दर्ज करीज गयो है। मैं काम कर रहा था, मेरी साइड पर खड़ा था और मेरे पास कोई मिस्त्री आया, मैं बोला उसको तू तेरी साइड पर जा, तो उसके मिस्त्री वो लेबर आके मेरे को मारपीट करने लगे। ये गुजरा के लड़के थे, सिंह गुजर के लड़के के नाम करके है, मैं उनको जानता नहीं पूरा, लेकिन शक्ल से पहचानता हूँ। और इन्हें चूरू गए तारानगर की शावा थाना पुलिस हैज के नाकाबंदी के दौरान बोलेरो कैंपर गाड़ियों 100 कार्टून भरेड़ा 4800 देसी पुआ शराब हैज का बरामद किया है। पुलिस एक गाड़ी भी जब्त करी है, एक तस्कर ने भी गिरफ्तार करो है। आरोपियों लगातार पूछताछ है जी की करने लग रही है पुलिस और वो हनुमानगढ़ गए नोहर में शराब लियान की बात कबूली है। सावा थाना अधिकारी रामकरण हैज का बताया है कि एसपी राजेश कुमार के निर्देश पर कार्रवाई हैज की करीज की है और शुक्रवार रात ने हैज को सावा में नाकाबंदी लगाई गश्त करने लग रहा। इन दौरान हैज को नोहर की साइडों आना रही बोलेरो कैंपर गाड़ी रोक के इशारो करो रुकी और बैंक बाद में हैज को एक गाड़ी के अंदर हूँ 100 कार्टून में 4800 पौवा मिला शराब है जिकी ने पुलिस जब्त कर लियो है और ललानिया नोहर निवासी राम कुमार ने गिरफ्तार है जिकी पुलिस करियो है। अजी शराब है लगभग 3,30,000 रुपया है, ये कीमत आंके जारी है। पुलिस है जिकी राम कुमार के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामलों दर्ज है जिको फिलहाल करियो है। आगे खबर की बात करा तो चूरू जिले के तारानगर के राजगढ़ सर्किल पर रोडवेज बस हैज की बुजुर्ग ने टक्कर मारी है, महिला की मौत हुई है और एक बाइक सवार ने चोट भी लगी है और बाइक क्षतिग्रस्त हुई है। पूरी खबर की बात करा तो चूरू जिले के तारानगर के राजगढ़ सर्किल पर हैज को नशे में धुत रोडवेज बस चालक है जिको बड़े खड़ी एक बुजुर्ग महिला ने जोरदार टक्कर मार दी, जो बेंगी मौत होगी और इतो ही को नहीं एक बाइक सवार ने जिको लोग हो बेंगे भी टक्कर मार दी, बाइक क्षतिग्रस्त हुई है, युवक के हैजी की चोट लगी है। रोडवेज बस को चालक हैजी को नशे में धुत बताई जा रही है। घटना के बाद में रोडवेज बस चालक हैजी को बठूं रोडवेज बस ने छोड़ गए फरार हो गयो। चालक परिचालक दोनों ही हैजी का मौके पर फरार हो गया है और जानकारी मिली है कि मृत जी की बुजुर्ग महिला है, तारानगर का वार्ड संख्या 1 की 60 वर्षीय चुन्नी देवी है जो भीख आदि मांगन को है जी को काम कराया करती है, आपको भरण पोषण है जी को कराया करती। पुलिस है जी की सबने तारानगर अस्पताल की मोर्चे में रखवा दियो है। बुजुर्ग जी का महिला का परिजन है, वह घटनास्थल पर पहुंचा और बैठे है जी को रो रो के वहां बुरो हाल नजर आयो। बड़ी प्रत्यक्ष दर्शी जी का लोग है वह बताए है कि रोडवेज चालक नशे में धुत हो, साथ ही साथ परिचालक भी नशे में धुत हो और आज की बस है अन्य रूट पर जान लग रही है। रूट है जी को सरदार शहर हूँ तारानगर होते हुए राजगढ़ तरफ हो, जबकि तारानगर हूँ शावा की तरफ जान लग रही है। फिलहाल प्रत्यक्ष दर्शी सत्यवीर है जी का के कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ कमला है जी की परिजन है वे के कुछ कह रहे हैं सुनांगा। उसको सावा भादरा भेज रहे थे, ड्राइवर कंडक्टर दोनों शराब के नशे में एकदम धूत थे और इनका इंस्पेक्टर भी आया हुआ था और वो चेक करके उनको पता भी था कि ये शराब पी रखी है, उसके बावजूद इस गाड़ी को रवाना किए, इसमें पैसेंजर भी थे, दो बाइक वालों के लगी है, एक की डेथ हो गई। चाल के देख ले, मैं कोई झूठ को नहीं बोलूं, बारी थारे सामने टेम्पो में उतरी हूं, गाय रोड में जा रही।
फिलहाल हैजी की पुलिस मामले की जांच करने लग रही है। पुलिस मौके पर घटना के बाद में भी पहुंच गई। जिले की कुछ मुख्य खबरें थारे तक पहुंचाने को प्रयास करियो। हाँ, खबर पर फीडबैक जरूर बताई। जय चुरू, जय राजस्थान, जय हिंद।